स्टार्ट किया था द रूल्स ऑफ द बिगनंती नाड़ी। द रूल्स ऑफ बिगनंती नाड़ी के अंदर सबसे पहले रूल्स जो आते हैं वो आते हैं प्लैनेट की कंजक्शंस को और इन्फ्लुएंस को हम कैसे देखते हैं। देखो बेसिक चीज पे मैं बता रहा हूँ, राशियों के चार डायरेक्शन साइन होते हैं, ये सबको पता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की चार राशि डायरेक्शनल साइंस सबको आइडिया होगा। 1 5 9 इज इक्वल टू ईस्ट, 2 6 10 इज इक्वल टू साउथ, 3 7 11 इज इक्वल टू वेस्ट, 4 8 12 इज इक्वल टू नॉर्थ। ये सबको पता होगा। नाउ साउथ के अगेंस्ट नॉर्थ आता है और ईस्ट के अगेंस्ट वेस्ट आता है। एज ए रूल आप चार्ट में कहीं भी देख लेना, ईस्ट और वेस्ट में हमेशा एक खाने का गैप मिलेगा। जब ईस्ट और वेस्ट की राशियां चलेंगी तो एक खाने का गैप मिलेगा या उसका गैप होगा। जब नॉर्थ और वेस्ट की राशियां चलेंगी तो एक खाने का गैप आ रहा होगा। एज ए रूल आप चार्ट पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बिगनंती के परस्पेक्टिव से जो प्लैनेट जिस डायरेक्शनल साइन के अंदर बैठे हैं वो आपस में युति में है। पहली बात, द प्लैनेट सिटिंग इन अ सेम डायरेक्शनल साइन आर इन कंजक्शन टू ईच अदर। पहला रूल। अब जो डायरेक्शनल साइन के अपोजिट वाले डायरेक्शनल साइन में जो प्लैनेट है वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालेंगे, प्रभाव डालेंगे, अपना अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखाएंगे। विच मीन्स 1 5 9 के अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं वो तो इकट्ठे हो गए, और 3 7 11 वाला उसके उल्टा हो गया, वो ईस्ट वो वेस्ट हो गया। वेस्ट वाला इस पे अपना प्रभाव डालेगा, अपना प्रभाव डालेगा इस पे। मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ एक बोर्ड पे, एक मिनट दे मुझको आप। We are going little slow in this class, but we will go faster in after 1 or 2 class. I'm making a South Indian box. ये बीच में से खाली होता है, इसको आप ना खाली मान लेना, क्योंकि ये बीच का खाली होता है, इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है ना खाली होता है। लाइन खींचने में मुझे इसको बनाना पड़ा, बट ये खाली होता है ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन साइन बना लेते हैं। एक साउथ इंडियन स्टाइल से कोई कंफर्टेबल नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं नॉर्थ इंडियन में भी समझा दूंगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड साउथ इंडियन स्टाइल ऑल्सो, बिकॉज बिगनंती के अंदर मैक्सिमम काम साउथ इंडियन स्टाइल में हुआ हुआ है। I'll try and understand it. नहीं फिर भी समझ में आया तो I will do it in North Indian style. These are rashis and these are not houses. South Indian style के अंदर rashis fix होती हैं, houses नहीं होते fix. ये हमने darshis के number लिखे हैं, हमने हमने houses के number नहीं लिखे हैं ये। अब अगर आप देखेंगे इसमें एक एक 5 9 एक, दिस इज अ ट्राइन, दिस इज अ ट्राइन। ट्राइन में जो बैठे हुए प्लैनेट होते हैं वो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, और इसका अपोजिट डायरेक्शन का जो साइन होगा ट्राइन बनेगा वो बनेगा 3 7
ग्यारह अपो, यहां पे मैं लिख सेम साइन इज इक्वल टू कॉल कंजक्ट अपोजिट साइन में जो प्लैनेट बैठे होंगे वो इन्फ्लुएंस करेंगे इन्फ्लुएंस, ठीक है, आई एन एफ एल यू ई एन सी या ए एन सी, एनीवे वो आप चेक कर लेना, ये इन्फ्लुएंस डालेंगे। अब हम यहाँ पे एक रूल लगाते हैं, इस पोजीशन में कोई प्लैनेट नहीं है, अगर आप देखिए इसमें दो का गैप है, ठीक है, अगर आप इसमें देखिए फिर एक का बीच में एक गैप है, एक मैंने बताया था आपको कि अपोजिट साइंस के अंदर सिर्फ एक ही गैप होता है, यहाँ पे सिर्फ एक गैप है, यहाँ पे भी एक गैप है, यहाँ भी एक गैप है और यहाँ भी एक गैप है। अब इसके अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा है, दिस इज अ प्लैनेट, यहां भी प्लैनेट बैठा है, दिस प्लैनेट विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट का इस वाले प्लैनेट पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा, द वेरी रीजन इज दैट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन साइड में बैठे हैं और ये वाला जो प्लैनेट है वो इस वाले प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा है, सो ये वाला जो प्लैनेट है ये बहुत स्ट्रांगली इस वाले को फॉलो कर रहा है, व्हेन दिस प्लैनेट इज फॉलोइंग दिस प्लैनेट तो वो उसके जो तत्व होंगे वो उसको लेगा, दिस प्लैनेट, ये जो प्लैनेट है ये इस वाले को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन साइड में बैठा है, अपोजिट डायरेक्शन साइड में बैठने के बाद ये प्लैनेट 11 नंबर के प्लैनेट 9 नंबर के प्लैनेट पे वैसे ही इन्फ्लुएंस डाल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन साइड से इन्फ्लुएंस डाल रहा है, तो 9 नंबर वाला जो प्लैनेट होगा वो 11 नंबर वाले के कारक तत्व को अपनाने की बहुत जल्दी से कोशिश करेगा। एक चीज समझ में आ गई ना तो पूरी किताब समझ में आ जाएगी, ये एक एक रूल समझ में आ गया, तो इज दिस मेक सेंस, मैं एक और बनाता हूं, यहां पे एक नया एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके यहां पे 10 नंबर है और यहां पे 11 नंबर है, नाउ लेट्स से लेट्स अज्यूम दिस वे, 2, 6, 10 आर कंजेक्ट टू ईच अदर, देन 4, 8, 12 आर कंजेक्ट टू ईच अदर, now let's assume there is a planet sitting here, and there is a planet sitting here, and there is no planet in between, is case ke andar 2 number wala planet 4 number wale planet ki taraf badh raha hai, और 4 नंबर वाला प्लैनेट जो 2 नंबर के अपोजिट बैठा है, सिटिंग अपोजिट, तो अपोजिट साइन का प्लैनेट जो था वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, और सिंस वो इन्फ्लुएंस ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है और 2 नंबर इज मूविंग टू 4 नंबर, तो 2 नंबर के स्वभाव में 4 नंबर की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी और ये इसको फॉलो करेगा, फॉलो करते हुए इसका इफेक्ट लेके आएगा। आप अज्यूम करते हैं यहां पे दिस प्लैनेट्स आर गुड टू इच अदर, पहले गुड की बात करते हैं, मान लो ये सूर्य है और ये जुपिटर है, दे आर वेरी गुड टू इच अदर इन बिगिनिंग द आल्सो, सूर्य जब जुपिटर की तरफ बढ़ रहा है, सूर्य क्या है हमारा आत्मविश्वास, सूर्य के कारक सबको पता है, जुपिटर क्या है ग्रोथ, हमारे आत्मविश्वास में ग्रोथ की उत्पत्ति बढ़ावत हो रही है,
जुपिटर के पीछे इमीडिएट कोई नहीं है, लेकिन जुपिटर के एक हाउस पीछे अपोजिट डायरेक्शन साइन में सूर्य है, जहां से उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, और जुपिटर को वो स्ट्रेंथ मिल रही है प्लस सूर्य को जुपिटर मिल रहा है आगे जाके सूर्य को जुपिटर मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ।